सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉय मुकेश में। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वी 15 के अपडेट के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो वीवो वी 15 में नया अपडेट आया है, इस अपडेट में कौन कौन सी सेटिंग को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, साथ ही किन किन जो है नए फीचर को ऐड किया गया है। तो गाइस इस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको मिल सके फुल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस चलिए आपको लेके चलते हैं अपडेट स्क्रीन पर। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली जो है अपडेट स्क्रीन पर। गाइस आप लोग देखेंगे जो हमें नया वर्जन मिलेगा वो मिलेगा 6.10.3 मिलेगा। तो गाइस बात करते हैं पुराने वर्जन की, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 6.10.1 है जो कि हमारे फ़ोन का करंट वर्जन है। बट गाइस हमें अपडेट करने के बाद नया वर्जन मिलेगा 6.10.3। तो गाइस बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में, तो इस अपडेट का क्या साइज़ है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 174.29 MB। गाइस कहने का मतलब लगभग जो है ये 200 MB का अपडेट है। एंड गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये अपडेट आप लोग को करना है अपने फ़ोन में या नहीं करना है। एंड गाइस आप लोगों को यह भी बताऊंगा जिन लोगों को अपडेट अभी तक नहीं मिला है उनको अपडेट कब तक मिलेगा। एंड गाइस जो हम चेंजिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हमें जो चेंजिंग देखने को मिलती है वो मिलती है सिस्टम में। सिस्टम में आप लोग देखेंगे फिक द इशू वेयर द लेफ्ट नेविगेशन की डज नॉट वर्क। गाइस कहने का मतलब जो हमारे फ़ोन का करंट वर्जन है जिसपे हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है, इसमें जो हमारे फ़ोन की जो है लेफ्ट नेविगेशन जो है वर्क नहीं कर रही थी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू थे जिनको ये फिक्स कर दिया गया है नए अपडेट में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ फिक द इशू वेयर द स्क्रीन इज ऑप्शनली बिल्ड वेन यू सम थर्ड पार्टी ऐप्स। गाइस कहने का मतलब जब आप किसी थर्ड पार्टी ऐप में या किसी भी ऐप में जो है स्विच होते थे तो उसके बाद आपकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लर हो जाती थी, बट गाइस इस नए अपडेट में इस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया गया है। एंड गाइस इसके बाद हम चेंजिंग की बात करते हैं तो हमें मिलती है कैमरे में चेंजिंग। कैमरे में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजिंग की गई, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिक्स द इशू वेयर ब्यूटी इफेक्ट डज नॉट शो ऑन फोटो प्रीव्यू वेन यू सेट ए पैरामीटर टू द मैक्सिमम इन ब्यूटी मोड एंड द एडजस्ट द कैप्चर फ्रेम। गाइस कहने का मतलब भी आप अपना वो जो है कैमरा ओपन करते थे, कैमरा ओपन करने के बाद आप अपना जो है फोटो को ब्यूटी मोड में करते थे और ब्यूटी मोड करने के बाद आप अपने जो है कैप्चर फ्रेम को एडजस्ट करते थे, तो इसके बाद आपके जो ब्यूटी इफेक्ट को शो नहीं किया जा रहा था पहले के अपडेट में। तो गाइस ये जो नया अपडेट है आया हुआ है तो इसमें इस इश्यू को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है फिक्स कर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद जो हमें ईमेल में भी चेंजिंग देखने को मिलती है, आप लोग ईमेल में देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ फिक्स द इशू वेयर फाइल इन एन ईमेल कैन नॉट बी शेयर टू नोट्स। गाइस कहने का मतलब जब भी आप अपना जो है ईमेल जो ओपन करते थे उसमें कोई फाइल जो है नोट्स में शेयर करना चाह रहे थे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी, बट गाइस इस नए अपडेट में इस इशू को फिक्स कर दिया गया था। गाइस आप लोगों को बता दो ये अपडेट जिन लोगों को मिला है उन लोगों को जो है ये अपडेट अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना है। एंड गाइस जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है उनको जो 1 वीक का जो वेट करना है उनको अपडेट जरूर मिलेगा। और गाइस इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड गाइस अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।